नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को, क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। दोस्तों कैसे हो, फाइनली हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है महाराष्ट्र डाक विभाग से, यानी कि महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल से, और यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है 3650, और इसके लिए 10वीं पास व 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन बेस्ड है मेरिट पर, इसका मतलब है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आपने जो भी मार्क्स लाए हैं 10th स्टैंडर्ड में, उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएं। चलिए जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपनी वेबसाइट पर, और आप देख सकते हैं महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल की वैकेंसी आई है यहाँ पर 3650, ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट हैं। यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी क्या है, तो रिक्रूटिंग बॉडी है महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल। अप्लीकेशन मोड जो है वो है ऑनलाइन, इसका मतलब है कि आपको इसका फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फिलअप करना होगा। लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो के लास्ट में। एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने का डेट है 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में। अगर हम बात करते हैं इसके वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक GDS के पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी है 3650। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर EWS से 408 पोस्ट हैं, OBC से 772 पोस्ट हैं, PWDA से 31 पोस्ट है, B से 31 पोस्ट है, C से 44 पोस्ट है, वहीं D से 15 पोस्ट है। SC के लिए 286 पोस्ट है, ST के लिए 366 पोस्ट है, वहीं जनरल के लिए 1697 पोस्ट है। इसका मतलब है टोटल वैकेंसी है 3650। अगर हम बात करते हैं अप्लीकेशन फीस की, तो अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, वहीं SC ST PH के लिए बिल्कुल फ्री है। साथ ही हो सकता है फीमेल्स के लिए अप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री हो, तो आप एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा 18 से 40 साल, और आयु में छूट दी गई है SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और PWD को 10 साल का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आज एक गिव अवे क्वेश्चन है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आपको WhatsApp पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जॉब अलर्ट चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। अगर हम बात करें इसके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास व उसके ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का कोर्स किया होना चाहिए 60 दिनों का, साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। सिलेक्शन बेस्ड है यहाँ पर ऑटोमेटेड जनरेटेड मेरिट लिस्ट पर, इसका मतलब आपकी सीधी भर्ती होगी आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, तो सैलरी यहाँ पर मिलती है 4 घंटे की ड्यूटी की 12,000 से लेकर 14,500 रुपये पर मंथ। जॉब लोकेशन रहेगी मुंबई महाराष्ट्र, और अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।